चैप्टर नंबर 16 में हम लोग 2022 के PYQs डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसमें मार्किंग स्कीम थोड़ी सी और चेंज हो गई थी, है ना। अभी आपने देखा 2018, 19 और 20 में कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे, 6 मार्क्स ही थे ना। यहाँ पर 2022 में आपसे 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम अभी पिछले ईयर के जो पेपर बना रहे थे उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे और 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स का नहीं था। लेकिन इस साल 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से 10 के बीच में देखने को मिलता है, 7 से लेके 10 के बीच में। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 से लेके 6 के बीच में। 4 मार्क के क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 से लेके 14 के बीच में, ठीक है। तो ये इसकी मार्किंग स्कीम है, 9 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और इसका रीज़न ये है, आना 6 नंबर का ही है, लेकिन रीज़न ये है कि बीच में 1-2 चैप्टर कटे थे और टॉपिक बहुत रिड्यूस हुए थे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ 3 नंबर बढ़ा लिया गया था। आगे बात समझ में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो तीनों सेट में सेम थे, यानी मीडियन निकालने के लिए पूछा गया था, डाटा अलग अलग था। तो तीनों डाटा अलग अलग सेट के आपके सामने हैं और हमको तीनों में क्या निकालना है, मीडियन। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। और ये डाटा कैसा डाटा है, डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, नॉर्मल, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले, पहला स्टेप क्या होता है हमारा मीडियन या मोड निकालने के लिए, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अरेंज करते हैं हम डाटा को, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले छोटा नंबर बताइए इसमें, 23, फिर उससे बड़ा 25, फिर उससे बड़ा 32, फिर उससे बड़ा 38, फिर इससे बड़ा, फिर 42। अब ये कितने डाटा हैं, हो गया और है, अच्छा 45 भी है ना, ओके 45, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 7। और 7 कैसा डाटा है, ऑड। हमने पढ़ा है मीडियन में ऑड और इवन का कैलकुलेशन अलग अलग होता है, तो ऑड के लिए जनरल फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, मीडियन MD। अगर हमारा डाटा ऑड है तो उसमें 1 ऐड करके उसको इवन बना लेते हैं, और जैसे ही इवन आता है हाफ कर देते हैं, तो जो टर्म बनती है उसी टर्म का नंबर क्या बन जाता है, मीडियन, बीच वाला नंबर। तो चलिए, दिस इज 7 + 1 डिवाइडेड बाय 12th टर्म, ये हो गया 8 / 12th टर्म, और 8/2 क्या होता है, 4th टर्म। तो अब अपने अरेंज किए हुए डाटा में चौथे टर्म का नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4, ये रहा चौथे टर्म का नंबर 38। तो 38 ही क्या चीज होगा, बीच वाला नंबर, इसी को क्या बोलेंगे, मीडियन। बीच वाला मतलब 38 के इधर भी 3 नंबर है, उधर भी 3 नंबर ही होंगे, दिख रहा है, ठीक बीचों बीच है, इधर भी 3 नंबर है, उधर भी 3 नंबर है, इसलिए ये मीडियन है। समझ में आ गई बात। यहां पर भी वही काम करना है, सेट बी में अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 102, उसके बाद 106, फिर 110, उसके बाद 115, फिर 117, उसके बाद 123 और 125। अब इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कैलकुलेशन सेम हो गया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे n = 7, विच इज ऑड, और पूरा प्रक्रिया ऐसे ही रहेगा, मीडियन MD = n + 1 डिवाइडेड बाय 12th टर्म। और अब आप जान रहे हैं ना, ये पूरा सेम मैंने लिख रहा ना, समझ रहे हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ उतार देनी है। तो यहाँ भी आंसर में क्या आएगा, चौथा टर्म। और इस डाटा में, अरेंज किए हुए डाटा में चौथा टर्म कौन है, 1 2 3 4, 115। तो हमारे मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 115। दिस इज आंसर। सेम यहाँ पर देखिए, इसको भी अरेंज करिए,
अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर 16, ठीक। उसके बाद 18, ठीक है। फिर 20, फिर 21 ही होगा, फिर 22, 23 भी है क्या? 24 है। उसके बाद 26, यही है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी सेम हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, यानी ऑड। तो मीडियन का हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा, और जितने स्टेप हमने पहले वाले में लिखे वो सारे स्टेप यहां पर भी सेम होंगे। और लास्ट में आंसर क्या आएगा? फोर्थ टर्म। और इसका चौथा टर्म कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 21। सो 21 इज मीडियन ऑफ द डाटा, बीच वाला नंबर 21 होगा। समझ गए? ठीक। तो ये 2 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन कवर हो गए। अब हम आते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तीनों सेट में है। एवरेज निकालने के लिए पूछा गया था डिस्क्रीट डाटा के लिए। और ये कितने मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे सब के सब? 3-3 नंबर के। सब में एवरेज निकालना, और एवरेज का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, है ना? तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूँगा। एवरेज, व्हाट इज एवरेज? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, किस चीज का हमको एवरेज निकालना है? फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, 9 नॉट हो नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, बस। और आपने ये किया हुआ है, अभी इसके पिछले वाले में आया था ना, 2020 के पेपर में, 20 वाले में था ना, लेकिन उसमें 10-10 नंबरों के लिए था, है ना? तो ये नेचुरल नंबर जब हम ऐड करते हैं कितना होता है? 10 जोड़ते हैं तो 55 होता है, तो 9 जोड़ेंगे तो 45 होगा। जोड़ लीजिए एक बार और, लेकिन डिवाइड अब आपको 9 से करना है, 10 से नहीं करना। ऐड कर लीजिए, दिस इज 3 and 3, 6, 4, 10, 15, 21, 21 और 7, 28 और 8, 36, 36 और 9, 45। सो दिस इज 45 डिवाइडेड बाय 9, एंड 9 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 5। दिस इज एवरेज। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और यहाँ पर हमको क्या करना है? फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का, इवन नंबर्स का। सो दिस इज 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 12, 14, 16, 18, बस ना, 9 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और डिवाइडेड बाय 9। चलिए ऐड कर लेते हैं, 4 + 2 = 6 and 6 = 12, 12 + 8 = 20, 20 + 10 = 30, 30 + 12 = 42, 42 + 6 = 10, 56 + 6 = 6, कितना हो गया? 62, 62 + 10 = 72, 72 + 8 = 80 or 10, 90, this will be 90 divided by 9, so 10 is our answer। यहाँ पर भी एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड दिस इज इक्वल टू किसका निकालना है? 9 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। सो दिस इज 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक जा रहा है?
प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, यहीं तक रुकेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिवाइडेड बाय 9, चलिए कितना रहे? 81, जोड़ लिए, वेरी गुड। दिस इज 81 डिवाइडेड बाय 9 एंड 9 9 81, दिस इज आंसर। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दो दो तीन तीन नंबर में, समझ गए। अब हम आते हैं अपनी मेन कैटेगरी की तरफ, 4 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 11 से 14 के बीच में फंसता है और इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं। तो 2022 के पेपर में हमसे एक मीडियन नहीं मोड पूछा गया था और एक मीन पूछा गया था, मीडियन या मीन, मीन कन्फर्म है, देखते हैं अगला क्वेश्चन मोड है या मीडियन है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम आते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ और ये हमसे तीनों सेट में कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए थे, ए बी सी तीनों में कॉमन रहते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स और मोड का क्वेश्चन आया था और एक मीन निकालने का, एरिथमेटिक मीन क्लास इंटरवल के लिए। ठीक है, हमको मालूम है मोड के लिए कोई और एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना हमने, ठीक है, डायरेक्ट हमने मोड का फॉर्मूला यूज करना है। याद है फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2, दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज h। ठीक है, यही था ना फॉर्मूला। तो सबसे पहले मॉडल क्लास क्या ढूंढना है, मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी, कौन है, यही है सबसे बड़ी, और कोई है? ठीक, तो दिस क्लास विल बी मॉडल क्लास 2030। इसका जो पहले वाला लिमिट है दिस इज लोअर लिमिट और यहीं से क्लास साइज मिल जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 10। अब f1 f2 और f0 कैसे कैसे निकालते थे याद है, मॉडल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी f1, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी f0, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी f2। सो f0 इज 10, f1 इज 16, F2 is 12, yeah. हो गया जी सारी चीज़ें, बस फॉर्मूले में आपने पुट करनी है और इसको निकाल लेना है, हो गया। फिर से एक बार फॉर्मूला लिखूंगा मैं, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है जी, वैल्यू पुट करिए, लोअर लिमिट 20 प्लस F1 16 माइनस F0 10 डिवाइडेड बाय 2 टाइम F1 यानी 2 टाइम 16 माइनस F0 इज 10 और F2 इज 12 और मल्टीप्लाई क्लास साइज क्या था 10। चलिए इसको सॉल्व करना है हमने, 20 प्लस बताइए 16 में से 10 गया 6 और ये 10 मल्टीप्लाई में रहेगा न्यूमरेटर में, हाँ ये हो गया हमारा 32 और ये हो गया 22, समझ रहे हो, माइनस माइनस वाले साथ में सॉल्व हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई वाला साथ में सॉल्व हो गया, तो 10 और 12 22 होता है। ठीक, अगले स्टेप में ले चलते हैं 20 प्लस, इसको मैं अभी ऐसे लिखता हूँ 6 × 10, 32 में 22 गया 10, ये कैंसिल हो जाएगा 10 10, तो हमको मिला 20 प्लस 6 और अल्टीमेटली ये कितना हो गया 26, दिस इज मोड, खत्म, दिस इज आंसर, हो गया जी। अब इसी के ऑप्शन में एक एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमसे पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाना है। एरिथमेटिक मीन में हमको 2 कॉलम और बनाने पड़ते हैं, एक मिड वैल्यू के लिए और एक f(x) के लिए, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक, क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, एरिथमेटिक मीन का ये क्वेश्चन आया हुआ था ऑप्शन में, आप इसको देख के थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करिए कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, क्या इसमें कोई क्लास इंटरवल है, तो फिर हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, सिंगल डाटा दिया ना, कोई क्लास तो दिया नहीं है, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, और ये तीनों सेट में था तो ये भी 4 नंबर का आ सकता है भाई,
क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्लास इंटरवल ही वाला बस चार नंबर का है, तो डिस्क्रीट डाटा भी चार नंबर का आता है। ऐसे बढ़िया टेबल बना के दे दो और उल्लू बना दो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो कोई क्लास इंटरवल नहीं है तो कोई हमको मिड वैल्यू नहीं निकालनी है, लेकिन वो सारे नियम वैसे रहेंगे अरिथमेटिक मीन के। कैसे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप ये रहा ऑब्जर्वेशन मार्क्स ऑब्टेन, यानी टेस्ट हुआ होगा, परीक्षा हुई होगी, उसमें इतने इतने नंबर मिले स्टूडेंट को, तो 30 नंबर कितने स्टूडेंट को मिले हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने बार आया, 30, तो 6 बार आया होगा, मतलब 6 लोगों को 30 नंबर मिला होगा। 35 नंबर 5 लोगों को मिला होगा, 38 नंबर 6 लोगों को मिला होगा, तो 38 की फ्रीक्वेंसी होगी 6। समझ में आया आपको? तो इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये टोटल नंबर कै बार आए हैं भाई, 30 कै बार आया होगा, 6 बार, तो 6 बार उसको जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्या, दिस इज ऑब्जर्वेशन, दिस इज वन वैल्यू, सो आई एम ट्रीटिंग इट एफ, ना सॉरी दिस इज एक्स, इसको क्या ले लेंगे, एक्स डाटा, और फ्रीक्वेंसी को क्या ले लें, एफ। एफ इंटू एक्स हमको करना पड़ेगा एडिशन के लिए, क्योंकि 30 को 6 बार लिख के जोड़ना पसंद करेंगे आप कि 30 × 6 करके जोड़ना पसंद करेंगे, इसलिए सिर्फ एक कॉलम हमको और बनाना है, और वो कॉलम कौन सा होगा, एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स। समझ गए, मिड वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, समझ रहे हो, मिड वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, क्लास इंटरवल पहले रहा होगा, वो नहीं दिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एफ इंटू एक्स, 6 × 3 = 18, 180, 35 को 5 बार जोड़ लो या मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 = 25, और 5 × 3 = 15, और 2 = 17, ठीक है, 175, ठीक है। हाँ, 6 × 8 = 48, और 6 × 3 = 18 और 4 = 22, ठीक है, देखते जाओ, 8 × 4 = 32, ठीक है, 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24, और 1 = 25, हाँ 45 × 90 और 48 × 98, 8 × 16, 4 × 8 और ओके 96, करेक्ट, देख लीजिए, ठीक ठीक है ना। बस इससे ज़्यादा हमको कोई कॉलम नहीं बनाना है। यहाँ पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल फ्रीक्वेंसी ऐड कर लीजिए, 6 × 5 = 11 × 6 = 17 × 8 = 25 × 6 = 31 + 32 = 35, ठीक है। और ये सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर लीजिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जोड़ के बताइए मुझे, जब तक मैं इधर फार्मूला लिखता हूँ, अच्छे से इसको ऐड करिए। अब हम निकालने वाले हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, इसको एक्स रिप्रेजेंट करना है, एंड दिस इज नथिंग बट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और इसके शॉर्टकट्स हमने बनाए हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का। चलिए, जोड़ा आपने इसको, कितना आ रहा है, 1341, आप लोग चेक करिए सब, ठीक है, कितना आ रहा है, ठीक है, करेक्ट है, 1341, श्योर, आगे बढ़ूँ मैं, चेक कर लूँ, 8 × 5 = 13 × 14 = 15 × 6 = 21, 2 आया, 8 × 2 = 17 19 20 21, 21 × 5 = 26 26 × 9 35 35 × 9 = 44, 44 × 4 = 4 कैरी, 1 2 4 3 7 2 9 9 × 4 = 13, ठीक है। चलिए, 1341 / 35, चलिए ये 7 से डिवाइड होता है, देखिए क्या ये 7 से डिवाइड होता है, 7 × 1 = 7 कितना रह जाएगा, 6 = 64 हो गया, 7 का टेबल कितनी बार पढ़ें, 7 × 9 = 63, 1 बचा 11 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा ना,
नहीं जाएगा ना, और किसी से डिवाइड होता है क्या? थ्री से, थ्री से तो नहीं होगा, तो फिर ये किसी से नहीं होगा, हो गया। तो चाहे तो आप 35 से इसको डिवाइड कर लीजिए, और चाहे तो एक बार 7 से कर लीजिए। 7 से कर लें, किसे कर रहे हो? किसी से नहीं, चलिए 7 से कर लेते हैं। 7 5 जा, इसको क्या बताया आपने? 7 1 जा 7, 6 बचा 64 हो गया। 7 9 जा 63, 1 बचा 11 हो गया। 7 1 जा 7, कितना बचा? 4, 11 में 7 गया 4। अब 4 तो जाता नहीं, तो हम क्या करेंगे? डेसिमल 40 हो गया वो। अब 7 के टेबल कई बार पढ़ोगे? 7 5 जा 35, हाँ जी 5 बचा, डेसिमल लग चुका है, उसको 50 मान लीजिए। 7 7 जा हो गया। अब 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, ये 7 5 जा और 7, ये इतने टाइम चला गया। आप 5 से डिवाइड करिए, 5 ये दो डिजिट ले लीजिए, 5 कितने जा? 5 3 जा 15, कितना बचा? 4 और 1 41, 5 8 जा 41 रह गया। ये डेसिमल का प्लेस आ गया, यहाँ डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब कितना रह गया? ये 1 15, तो 5 3 जा 15। अब ये 5 1 जा 5, हो गया। डेसिमल के दो कदम तक हम आ गए। कैसे नहीं आया समझ में? आया, ठीक। दिस इज मीन 38.31 एवरेज वैल्यू हो गया जी। चेक करके देख सकते हो 5 से इसको मल्टीप्लाई करके, क्या ये आता है या नहीं आता है, हो गया। तो इसी के साथ हमने लगभग 2022 के सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस।